दोस्तों होम लोन दिन प्रतिदिन जो है महंगा होता जा रहा है। अगर किसी भाई बंधु ने होम लोन 2019 के आसपास लिया था, उस समय जो है होम लोन जो है उसकी ब्याज दर बहुत सस्ती होती थी। उस समय 6.7% के आसपास होम लोन की ब्याज दर होती थी। अगर किसी भाई बंधु ने 2019 के आसपास होम लोन लिया था 6.7% की दर से और 20 साल के लिए वो होम लोन लिया था, तो वो होम लोन जो है अब 132 किस्तें उस पर ज़्यादा हो चुकी हैं। वो 20 साल का होम लोन जो है वो 30 साल के आसपास का हो चुका है। तो दोस्तों ईएमआई के बोझ तले जो है वो आम आदमी पिसता जा रहा है। दोस्तों आरबीआई जो है वो महंगाई दर को काबू में करने के लिए 6 बार रेपो रेट बढ़ा चुका है और इसी हफ्ते जो है 7वीं बार जो है आरबीआई की मॉनिटरी कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें 7वीं बार जो है रेपो रेट को बढ़ाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर इस बार रेपो रेट बढ़ा तो वो 0.25% के आसपास बढ़ेगा, तो हमारी जो ईएमआई है वो और भी बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों आरबीआई के इस कदम से जो है बैंक चुपचाप से हमारा लोन टेनोर बढ़ा देते हैं, हमारी ईएमआई को नहीं बढ़ा देते। दोस्तों ये बैंकों की तरफ से डिफ़ॉल्ट रेस्पॉन्स होता है, ये इसलिए डिफ़ॉल्ट रेस्पॉन्स होता है और चुपचाप से बैंक जो है आपका लोन टेनोर बढ़ा देता है, आपकी किस्तें नहीं बढ़ाता है, क्योंकि आपके और जब बैंक के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि बैंक आपका टेनोर वगैरह जो है बढ़ा सकता है जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा। तो दोस्तों इस हफ्ते जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की बैठक होगी, जिसमें 0.25% की रेपो रेट में बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों 2019 के आसपास जो है रेपो रेट 4% के आसपास था, जो अभी 6.5% हो चुका है। दोस्तों जानते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। दोस्तों रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है। तो दोस्तों जब बैंकों को महंगा लोन मिलता है तो बैंक जो है आपकी किस्तें बढ़ा देते हैं, आपको महंगा लोन देते हैं। तो दोस्तों रेपो रेट बढ़ाने से, 6 बार रेपो रेट बढ़ाने से जो 6.7% की दर होती थी होम लोन की, आज वो 9.25% के आसपास हो चुकी है। आप इसको इस तरह से समझिए दोस्तों, अगर किसी भाई बंधु ने 6.7% की दर से 2019 में 50 लाख का कोई होम लोन लिया था और उसका टेन्योर जो है वो 20 साल का था, तो दोस्तों अगर वो 2019 में लिया हुआ होम लोन अगर 2039 में पूरा होता, अब वही होम लोन जो है 2050 के आसपास पूरा होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि 132 किस्त जो है आपकी चुपचाप बढ़ा दी गई, किस्ते का जो टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया गया। दोस्तों टेन्योर इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि आप पर ईएमआई का भार नहीं आए, ईएमआई आपकी जस की तस रहे। तो दोस्तों इसका इलाज ये है कि आप अपनी बैंक की शाखा में जाकर अपना लोन टेन्योर ना बढ़वा के अपनी किस्तें जो हैं वो बढ़वा सकते हो, अपनी ईएमआई जो है वो बढ़वा सकते हो। अगर आपकी ईएमआई नहीं बढ़ती है, लोन टेन्योर बढ़ता जाता है, तो दोस्तों आपकी पूरी उम्र खप जाएगी होम लोन की किस्तें बढ़ते बढ़ते। तो दोस्तों आशा है आप अपनी बैंक की शाखा में जाकर इस कदम को जरूर उठाओगे, ताकि एक समय तक जो है आपके जवान रहते रहते जो है आपकी होम लोन की ईएमआई कंप्लीट हो सके। दोस्तों अब ये जानते हैं कि होम लोन पर जो है टैक्स रिबेट कैसे मिलता है। दोस्तों जब हम कोई होम लोन लेते हैं तो हमारे पे टैक्स रिबेट भी होता है, वो आयकर विभाग की धारा 80C के तहत जो है हम जो साल में प्रिंसिपल पे करते हैं, जो मूलधन पे करते हैं, उस पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट मिलती है। और दोस्तों जो हम ब्याज पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, उसका आयकर विभाग की धारा 24B के तहत जो है 2 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट जो है हमें एक फाइनेंशियल ईयर में मिलती है। मतलब 1.5 लाख रुपये प्रिंसिपल और 2 लाख रुपए इंटरेस्ट, टोटल हुआ 3.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट जो है हम होम लोन के कारण पा सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के आसपास ही क्यों होता है। तो दोस्तों इंडियन स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये बोलता है, अगर कोई रेंट एग्रीमेंट 1 साल से नीचे की अवधि का है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता, और अगर कोई रेंट एग्रीमेंट 1 साल से ऊपर की अवधि का है
तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, और जब रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है तो रेंट एग्रीमेंट पे जो आप किराया पे करते हो, और जितने समय के लिए आपने रेंट पे किराया पे जो है कोई मकान दुकान ली है, तो दोस्तों उसके हिसाब से जो है आप पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो स्टैम्प ड्यूटी से बचने के लिए जो है रेंट एग्रीमेंट को 12 महीने से कम का करवाया जाता है, और आमतौर पर ये रेंट एग्रीमेंट जो है वो 11 महीने का ही होता है। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी नॉलेज जो है, बैंकिंग नॉलेज जो है, फाइनेंसिंग नॉलेज जो है वो बढ़ी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहाँ वित्त है वहाँ वित्त कुंड है। ओम विताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम विताय नमः। राम राम भाइयों।